रायसेन भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राचीन खूबसूरत शहर है जो अपने ऐतिहासिक धरोहरों के साथ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। इसकी गिनती देश के सबसे शानदार और आकर्षक स्थलों में होती है। रायसेन मुख्य रूप से अपने प्राचीन युग के पर्यटन आकर्षणों के लिए जाना जाता है। यहाँ शहर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ जिला अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ ही धार्मिक और राष्ट्रीय एकता के लिए भी जाना जाता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल सांची के बौद्ध स्मारक रायसेन जिले में ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर भी इसी जिले में देखने को मिलते हैं। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय सांची टाउन में स्थित पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ग्रेफाइट फैक्ट्री भी इसी जिले में स्थापित की गई है। जैन विद्वान रजनीश, जिनको ओशो के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। दोस्तों, आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, इंडियन आर्मी से या आईफोन से? अगर आप इंडियन आर्मी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायसेन जिले में बेतवा नदी पर सम्राट अशोक सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। यहीं से मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध हलाली नहर निकाली गई है। भगवान शिव का प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर भी इसी जिले में देखने को मिलता है। यहीं पर राज्य का पहला शिवलिंग संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग रायसेन जिले के भोजपुर मंदिर में ही देखने को मिलता है। रातापानी अभयारण्य इस जिले का सबसे महत्वपूर्ण अभयारण्य माना जाता है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार भी रायसेन जिले में ही देखने को मिलती है, जिसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर मानी जाती है। दोस्तों, इस शहर के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह शहर प्राचीन काल में गोंड राजाओं का राजधानी शहर हुआ करता था, जिसको राजवासिनी के नाम से जाना जाता था। इस शहर का नाम पहाड़ की चोटी पर स्थित रायसेन किले के नाम से लिया गया है। रायसेन नगर के प्रत्येक कोने का एक इतिहास है। 15वीं शताब्दी तक रायसेन पर कई शासकों ने राज किया था, परंतु 1543 में शेरशाह सूरी ने इसे पूरनमल से जब्त किया था और कई वर्षों तक इस पर शासन भी किया था। रायसेन जिले का इतिहास बौद्ध काल से भी मिलता है। अशोक ने बुद्धम शरणम गच्छामि के बाद बहुत से बौद्ध स्मारक यहाँ पर बनवाए थे, जिनमें सांची का स्तूप प्रमुख माना जाता है। रायसेन के इतिहास में पारस पत्थर की कहानी और रायसेन के किले की कहानी भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि पारस पत्थर रायसेन के किले में ही छिपा हुआ है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा तथा प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। रायसेन जिले में गिनोरगढ़ का किला देखने को मिलता है, जो अपने तोतों की अधिकता के लिए जाना जाता है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में प्रदेश का पहला तितली पार्क भी स्थापित किया गया है। रायसेन जिले के मंडीदीप में ग्रेफाइट की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हिंदुस्तान इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट भी स्थापित की गई है। रायसेन मालवा पठार के पूर्वी किनारे पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ शहर समुद्र तल से 468 मीटर ऊंचाई पर स्थित है तथा इसकी औसत वर्षा 1191 मिलीमीटर है। रायसेन शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 768 किलोमीटर दूर है तथा भोपाल से इसकी लंबाई लगभग 44 किलोमीटर है। दोस्तों, रायसेन जिला प्राकृतिक सुंदरता, पुराने ऐतिहासिक शहर और आधुनिक शहरी नियोजन का आकर्षक संगम है। रायसेन जिले की सीमा उत्तर पूर्व में सागर, पश्चिम में सीहोर, उत्तर में विदिशा, दक्षिण पूर्व में नरसिंहपुर तथा दक्षिण में होशंगाबाद और सीहोर जिले से लगती है। रायसेन शहर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ जिला भोपाल मंडल के अंतर्गत आता है। रायसेन जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 8,399 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार रायसेन जिले की आबादी 13,31,597 है। रायसेन जिले की साक्षरता दर 74.26% है तथा जिले का जनसंख्या घनत्व 160 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। रायसेन जिले को 6 उपखंडों और 9 तहसीलों में विभाजित किया गया है। सांची स्तूपों की खोज वर्ष 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। सांची स्तूप भारत के सबसे बड़े स्तूपों में गिने जाते हैं। सांची स्तूप की आकृति को वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा 200 रुपए के नोट पर स्थान दिया गया है। भोजपुर शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। इसको मध्य भारत व उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, तो इस शहर में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे रायसेन का किला, यहाँ रायसेन के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यहाँ किला बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। किले के अंदर एक छोटी सी दुकान भी देखने को मिलती है, जहाँ से आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। इस किले से रायसेन शहर का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलता है। इस किले में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। यहाँ पर पुरानी कचहरी, जिंजरी महल, बरादरी, इतरदान, रानी महल और बादल महल आदि यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये सब जगह रायसेन किले के अंदर, आप इस किले में इन सभी जगह में घूम सकते हैं। इस किले में वर्षा के पानी को एकत्र करके वर्ष भर उपयोग किया जाता है। आप यहां पर आकर रायसेन जिले के चारों तरफ के सुंदर दृश्य को भी देख सकते हैं। सांची, यहां रायसेन शहर का मुख्य पर्यटन स्थल है। सांची में बौद्ध स्तूप देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर 3 मुख्य बौद्ध स्तूप देखने के लिए मिलते हैं। इन तीनों बौद्ध स्तूप को अच्छी तरह से बनाया गया है।
यहाँ पर और भी बहुत सारी प्राचीन इमारतों के खंडर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर, बौद्ध विहार देखने के लिए मिलते हैं। सांची के स्तूप ऊंची पहाड़ी पर बने हुए हैं। यहाँ पर बदक, खरगोश एवं कबूतर को भी रखा गया है। यहाँ पर पहला और तीसरा स्तूप आपको मुख्य परिसर में ही देखने के लिए मिलता है। दूसरा स्तूप मुख्य परिसर से थोड़ा दूरी पर स्थित है, आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। भीमबेटका, यहाँ रायसेन के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यहाँ पर शैल चित्र देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाई गई शैल चित्र बहुत ही आकर्षक लगते हैं। यहाँ पर प्राचीन समय में आदि मानव रहा करते थे। यहाँ पर आदि मानव के द्वारा बनाए गए हथियार और भी बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई है। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं में करीब 18 गुफाएं देखने के लिए मिलती है, आप यहां पर आकर घूम सकते हैं। भोजपुर मंदिर, यहां रायसेन शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। भोजपुर मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग देखने के लिए मिलता है। यहां शिवलिंग एक ही पत्थर का बना हुआ है। भोजपुर शिव मंदिर बहुत सुंदर है। भोजपुर शिव मंदिर बहुत बड़ा है और एक चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। शिव मंदिर के सामने 3 छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। यह मंदिर भी शिव भगवान जी को समर्पित है और इसमें शिवलिंग विराजमान है। इस मंदिर के बाहर बहुत बड़ा गार्डन आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्था मौजूद है, आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। सतधारा स्तूप, यह रायसेन शहर का मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपको प्राचीन वस्तुएं देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको प्राचीन स्तूप देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर सांची स्तूप से भी एक बहुत बड़ा स्तूप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हलाली नदी का सुंदर दृश्य भी देखने के लिए मिलता है। यह जगह जंगल के अंदर मौजूद है। यह जगह मुख्य विदिशा भोपाल हाईवे से करीब 5 किलोमीटर अंदर जंगल में स्थित है। कंकाली देवी मंदिर, यहाँ रायसेन शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ एक ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर में कंकाली माता की बहुत ही आकर्षक प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। इस प्रतिमा में कंकाली माता का मुंह हल्का सा झुका हुआ है। यहाँ पर आप बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, उनको देख सकते हैं। आप यहाँ पर नवरात्रि के समय आ सकते हैं। श्री केरवा धाम, यहाँ रायसेन शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आपको शंकर जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर को वन खंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ पर केरवन्य ऋषि का साधना स्थल भी देखने के लिए मिलता है। यह जगह चारों तरफ जंगल से घिरी हुई है, आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, यह रायसेन शहर का मुख्य पर्यटन स्थल है। यह वन्यजीव अभयारण्य रायसेन और भोपाल जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जंगली जानवर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको बाघ, तेंदुआ आदि देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको प्राकृतिक और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी देखने के लिए मिलते हैं। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही जंगली जानवर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। दरगाह शरीफ, यहाँ रायसेन शहर में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ एक दरगाह है। इस दरगाह को साहिब मजार शरीफ भी कहते हैं। यह दरगाह बहुत प्रसिद्ध है। यह मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, इसलिए बहुत सारे लोग इस दरगाह में आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। यह दरगाह रायसेन बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूर है, आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। तितली पार्क एवं मछलीघर, यहाँ रायसेन शहर का मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपको तितलियाँ और मछलियाँ देखने के लिए मिलती है। यह जगह रायसेन के गोपालपुर के वन मंडल में स्थित है। यहाँ पर आपको बहुत सारी आकर्षक चीजें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर तरह तरह के फूल एवं पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर तितलियों की बहुत सारी प्रजातियों के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप मछलियाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा झरना देखने के लिए मिलता है, आप यहाँ पर अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ आ सकते हैं। अमरगढ़ जलप्रपात, यहाँ रायसेन शहर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह एक सुंदर जलप्रपात है। यहाँ जलप्रपात घने जंगलों के बीच में स्थित है। इस जलप्रपात तक पहुँचने के लिए पैदल चलना पड़ता है। यह जलप्रपात रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर मौजूद है। बारना डैम, यहाँ रायसेन शहर का मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ डैम बारना नदी पर बनाया गया है। यह डैम बहुत सुंदर है। यह डैम बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। बरसात के समय जब डैम का पानी ओवरफ्लो होता है तो इसके गेट खोले जाते हैं, जिसका दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर व्यू पॉइंट भी बना हुआ है, जहाँ से आप दूर तक फैले दृश्य को देख सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक रहता है। आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी रायसेन शहर में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।